भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में युवा रेड क्रॉस मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम हुआ आयोजित। ट्रेनरों ने बताए महत्वपूर्ण बीमारियों के लक्षण और उपाय के तरीके। भारतीय रेड क्रॉस सोसाइटी में आयोजित युवा रेड क्रॉस मास्टर ट्रेनर प्रशिक्षण कार्यक्रम में डॉक्टर सौरभ पटेल ने शिशु की महत्वपूर्ण बीमारियां, उनके खतरे के लक्षण तथा बचाव के तरीके बताए। वहीं सहायक प्राध्यापक प्लास्टिक सर्जन डॉक्टर सक्सेना ने घाव के प्रकार, इलेक्ट्रिक शॉक, बर्न, जहरीली गैस के रिसाव एवं छत से गिरने पर फर्स्ट एड के तरीके एवं ब्लड को रोकने के तरीके बताए। इसके साथ ही और ट्रेनरों ने भी होने वाले रोगों के लक्षण और बचाव के तरीके बताए। क्योंकि बच्चों में इन्फेक्शन ही होता है, सबसे कॉमन इन्फेक्शन ही, अगर हम उसको प्रिवेंट कर लेंगे तो आगे कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि हमारी जो नवजात शिशु इकाई है ना, वहाँ पे इन्फेक्शन के बहुत सारे मरीज रहते हैं, बहुत ज्यादा रहते हैं। पहला ये होता है। दूसरा होता है कि साफ सफाई रखना अपने आस पास। हर किसी को पता है, जैसे ये बच्चा है, 10 महिलाएं आ जाती हैं, 2-4 भी आ जाते हैं, बच्चे को देखते हैं, शुरुआत में बातचीत करते हैं, फिर थोड़ी देर में अपने आप में बिजी हो जाते हैं, या फिर 8-10 लोग और आ गए, यहाँ बच्चा है वहाँ बैठे हैं, कोई वहाँ पे छींकेगा तो उसका वायरस यहाँ बच्चे तक पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा। अच्छा, कोई आदमी बाहर वहाँ सिगरेट पी रहा होगा, उसका धुआं यहाँ आएगा, पता चल जाता है हम लोगों को, पता चल जाता है, तो कैसे कोई वहाँ पे छींकेगा, उसका वायरस यहाँ तक नहीं फैलेगा। ये बहुत कॉमन सी चीज़ है, तो मतलब स्वस्थ रहें और बच्चे के आसपास अन्यथा भीड़ नहीं लगाएं। और दूसरी चीज़, आए बच्चे को विदाई में 100 रुपये दे के चले गए, 100 रुपये दे दिए, 10 रुपये दे दिए, 20 रुपये दे दिए, ये नोटें कितनी गंदी रहती, कभी सूंघा है देना है तो 2000 की नोट दें, 500 की नोट दें, है ना, ऐसा घर में कह सकते हैं आप लोग, ऐसा होगा नहीं, मतलब साफ सफाई रखें, ये सब तो नहीं है, मतलब बच्चे के हाथ में ना रखवा दें ये सारी चीज़ें, उसके आसपास चलो बच्चा लेता है सब कुछ मुंह में डालता है जब भूख लगे, मतलब हमको 10 से 12 बार तो माँ का दूध देना ही देना है, 10 से 12 बार माँ का दूध देना है, और दूध पिलाने के बाद बच्चे को हमेशा कंधे पे रख के टका देना है। कि जब बच्चा दूध पीता है तो दूध के साथ एरो पेचिया होता है, एरो मतलब हवा चली जाती है बच्चे के साथ में, जब हवा जाती है बाद में लिटा देंगे तो हल्की है वो बाहर निकलेगी, साथ में दूध निकल आता है। बहुत सारे लोग कंप्लेन करते हैं कि बच्चा उल्टी करता है, उल्टी बीमारी नहीं है कोई सी, और इसके लिए दवाइयाँ भी नहीं देनी है, बच्चे को दूध पिलाएं, दूध पिला के कंधे पे रखें, डकार दिलाएं, थपकी देते डकार लेता है ना बच्चा, सबने सुना ही होगा, डकार ले लेता है तो इससे अपने आप बहुत सारी चीज़ें ठीक हो जाती हैं। और 10 से 12 बार दूध पिलाना है, और दूध भी ऐसे पिलाना है कि सबसे पहले बच्चे को कितनी देर तक दूध पिलाना चाहिए, अच्छा मतलब जब जब भूखा है, कोई कहते हैं कि ये तो छिन छिन में दूध पीता है, मतलब हर 10-10 मिनट में दूध पीता है, और कोई कहता है कि 4-5 घंटे हो जाते तो भी दूध नहीं पीता, तो ये दोनों चीज़ें अच्छी नहीं है। कोई कह रहा है 10-10 मिनट में दूध पीता है, मतलब उसका पेट नहीं भर रहा है, या तो हमसे पिलाते नहीं बन रहा है।